इससे आपका क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है, फिर चाहे आपका वन डे एग्जाम हो या फिर आप देखते हैं कभी कभी आपका यूपीपीएससी में भी पूछ लेता है, और स्टेट पीसीएस में भी आपका प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चंस बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 की घोषणा की जा चुकी है, तो इसके बारे में बड़े अच्छे से याद रखिए। 2019 का भी बता दूंगा, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते आए हैं, तो बड़े अच्छे से याद रखिए। हाल ही में आप देखेंगे कि वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को नीदरलैंड की 29 वर्षीय मारिक मारिके लुकास रिजनेबेल्ड ने जीता है। किसने? मारिके लुकास रिजनेबेल्ड ने जीता है। इसके साथ ही मारिके लुकास रिजनेबेल्ड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है। कब क्या है इसमें, सबसे पहले तो याद रखिए किसने जीता है, मारिके लुकास रेजने बेल्ड ने, और ये कहाँ की है, नीदरलैंड की। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, ये सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है ये पुरस्कार जीतने वाली। मैरी कॉम लुकास रेजने बेल्ड ने अपनी पुस्तक द डिसकंफर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। तो इनकी बुक को भी याद रखिए, इनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस बन सकता है कि इनकी किस बुक के लिए दिया गया है। द डिसकंफर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। द डिसकंफर्ट ऑफ इवनिंग ग्रामीण नीदरलैंड की एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी है आपकी, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि एक किताब किससे संबंधित है, तो याद रखिए एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक परिवार की कहानी है। फिर आपका बनता है कि अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूं। यह पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के लिए काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ है और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। इस साल 30 भाषाओं से अनुवाद की 124 किताबें दौड़ में थी। कितनी? 124 किताबें इस साल दौड़ में थी 30 भाषाओं से। इसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना है। ऐसे सामान्यता केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है सामान्यता, लेकिन 2019 में बात करेंगे हम लोग, दो लोगों को दिया गया था। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि इस पुरस्कार की, यानी कि जो बुकर पुरस्कार है, इसे मतलब आप लोग बुकर मैककोनेल पुरस्कार भी कहते हैं और मैन बुकर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना आप देखेंगे कि 1969 से शुरू हुआ था, 1969 से, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो भारतीयों को बता देता हूं, पहले आपके हमारे देश के चार भारतीय लेखकों को ये पुरस्कार पहले दिया जा चुका है, जिनमें आप देखेंगे अरविंद अडिगा, किरण देसाई, अरुंधति रॉय और सलमान रुश्दी। कौन कौन? अरविंद अडिगा, किरण देसाई, अरुंधति रॉय और सलमान रुश्दी, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। और एक बात और याद रखिए, अगर हम लोग 2019 की बात करूं तो 79 वर्षीय कनाडा की लेखिका थी मार्ग रेट एटवुड। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था द टेस्टामेंट। और दूसरी थी, इसमें आप देखेंगे 2019 में ही दो लोगों को दिया गया था, दूसरी थी बर्नार्डिन एवारिस्तो। इनके इनकी कौन सी किताब थी? गर्ल वीमेन अदर के लिए, ठीक है। इन लोगों को भी 2019 में दिया गया था। तो इसी से आपके क्वेश्चन जी बनेंगे, तो आप बड़े अच्छे से सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपका बड़े अच्छे से सभी पॉइंट याद रख लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हर बार क्वेश्चन बनते आए हैं इससे, एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।